एक गुण नाही अमृत चाट बिखा खाई माया मोह परम पुले सुत दारास प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो बिर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू सरणा सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी गुजरी महल्ला तीजा तेस जान सांत सदा मत निहचल जिसका अभिमान गवाए सो जान निर्मला जे गुरमुख बूजा हार चरणी चित लाए तिस जन सांत सदा मत निहचल जिसका अभिमान गवाए सो जान निर्मल जे गुरमुख बूजा हार चरणी चित लाए हार चेत अचेत मना जो इच्छा है
सो फल होई। गुर प्रसाद हर रस पाव है, पीवत रहा है सदा सुख होई। रहा सतगुर पेट ता पारस हुआ, पारस हुए पूज कराए। जो उस पूजे सो फल पाए, दिखया देवा साच बुझाए। वेण पारस पूजना हो वाई, बेण मन परचे अवरा समझाए। गुरु सदाए अज्ञानी किस ओ मार्ग पाए। नानक बिन नदर किशो ना पाईया, जिस नदर करे सो पाए। गुर प्रसाद देव वडियाई, अपना शब्द वरताए। नानक बिन नदरी किशो ना पाईया, जिस नदर करे सो पाए। गुर प्रसाद देव वडियाई, अपना शब्द वरताए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुजरी महला तीजा, तिस जन सांत सदा मत निहचल, जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल। जे गुरमुख बूझै हर चरणी चित लाए।
हे मेरे गाफल मन, परमात्मा नू चेते करदा रहो, तेनू उही फल मिल जाएगा जेड़ा तू मंगेगा। गुरु की शरण प्यो, गुरु की कृपा नाल तू परमात्मा दे नाम दा रस हासिल कर लेंगा। ते जे तू उस रस नू पींदा रहेगा तो तेनू सदा आनंद मिलिया रहेगा। रहाओ हे भाई, परमात्मा जिस मनुख का अहंकार दूर कर देता है उस मनुख नू आत्मक शांति प्राप्त हो जाती है। उसकी अकल माया मोह विच डोलनों हट जाती है। जेड़ा मनुख गुरु की शरण पै के यह भेद समझ लैंदा है ते परमात्मा दे चरणां विच अपना चित जोड़ता है वह मनुख पवित्र जीवन वाला बन जाता है। हे भाई, जदों किसी मनुख नू गुरु मिल पैंदा है तदों वह पारस बन जाता है। वह होर मनुखां नू भी उच्चे जीवन वाला बनाण जोगा हो जाता है। जदों वह पारस बनता है तदों लोकां पासों आदर मान हासिल करता है। जेड़ा भी मनुख उसका आदर करता है वह उच्चा आत्मक जीवन रूप फल प्राप्त करता है। पारस बनिया होया मनुख होरना नू उच्चे जीवन की सिक्ख्या देंदा है ते सदा थिर रहन वाले प्रभु दे सिमरन की अकल देंदा है। पर हे भाई, पारस बन तो बिना दुनिया पासों आदर मान नहीं मिलता, क्योंकि अपना मन सिमरन विच पतीजन तो बिना ही वह मनुख होरना नू सिमरन की सिक्ख्या देंदा है। जेड़ा मनुख आप तो ज्ञान तो सखना है, आप तो माया के मोह विच अन्ना होया पिया है, पर अपने आप नू गुरु अखवांदा है वह किसी होर नू सही जीवन के रस्ते उत्ते नहीं पा सकता। हे नानक, किसी दे वस दी गल नहीं, परमात्मा दी मेहर दी निगाह तो बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। आत्मक जीवन दी दात नहीं मिलती। जिस मनुख उत्ते मेहर दी नज़र करता है वह मनुख यह दात हासिल कर लैंदा है। गुरु की कृपा की बरकत नाल परमात्मा जिस मनुख नू वड्याई बख्शदा है उसके हिरदे विच अपनी सिफत सलाह की बाणी वसांदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।